हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नीलोफर और आप देख रहे हैं कुक विद नीलोफर ऑन यूट्यूब। तो आज मैं हमारे अम्मी के यहाँ पर आई हुई थी, तो हमारा आज फैमिली डिनर है, तो कुछ स्पेशल बनाना था। तो मैंने सोचा कि बहरोज़ बिरयानी बनाई जाए, क्योंकि इसकी रेसिपीज ज़्यादातर यूट्यूब पर नहीं है। तो आज मैं बहरोज़ बिरयानी मटन, शाही मटन बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो हमने ये मटन लिया है, मैंने मटन गला कर लिया। इसमें एक प्याज डाला मीडियम, और एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हल्दी डालकर इसे उबाल कर लिया हुआ है। और ये 1.25 kg मैंने बासमती राइस लिए हुए हैं, जो बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। 1 tablespoon ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। और ये सूखे मसालों में ये 1 tablespoon मैंने मिर्च पाउडर ली हुई है, 1 tablespoon धनिया पाउडर है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर है और 1/2 teaspoon गर्म मसाला है। और ये 250 ग्राम मैंने दही लिया हुआ है। इसमें हमें अमूल फ्रेश क्रीम भी लगेंगी, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप घर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। और ये मसालों में, ड्राई मसालों में मैंने ये 2 तेज़पात लिया हुआ है, ये 2 स्टिक दालचीनी की है, और 15 लौंग लिए हुए, 15 काली मिर्च ली हुई है, 2 स्टार अनाइज है, और 6 हरी इलायची है, और 2 काली इलायची है। और ये 15 से 20 मैंने बादाम लिए हुए हैं। और ये टुकड़ा काजू मैंने 1 tablespoon लिया हुआ है। ये 500 ग्राम प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाया है, हमें इसे पीस कर लेना है। और ये 3 बड़े टमाटो हैं, ये 200 ग्राम टमाटो होंगे, इसका भी हम प्यूरी बनाएंगे। और ये 2 tablespoon मैंने पुदीना लिया हुआ है, 5-6 हरी मिर्चें हैं, इसे हम चीरे लगा लेंगे। और ये 2 tablespoon धनिया है। सबसे पहले हम चावलों को अच्छा धोकर भिगोने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर टाइम नहीं तो आधा घंटा भी भिगोए तो चलेगा। तो हम इसे पहले भिगोने के लिए रख देंगे। ये मैंने काजू बादाम का पेस्ट बनाकर लिया हुआ है। तो चलिए हम अब मसाला बनाते हैं। तो ये मैंने जो बॉईल किया हुआ है एक बर्तन में निकाल दिया है। तो हम इसमें इन्ग्रीडियंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, हमें सारे जो मसाले सारे इसमें, ये मैंने बिरिस्ते का पेस्ट बना कर लिया हुआ है, ये भी इसमें हम ऐड करेंगे। इसे पीस कर लेने से मसाला अच्छा बनता है। प्याज का पेस्ट, टोमेटो का पेस्ट, ये जो काजू बादाम का पेस्ट बनाया हुआ ये भी इसी में ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी ये सारे ड्राई मसाले। दही, हमें दही पूरा इस्तेमाल करना है, 250 ग्राम। हरी मिर्च, पुदीना और कोरिएंडर, ये सारे। गरम मसालों में 1 तेज़पत्ता हम इसमें डालेंगे, और 1 स्टिक इसमें तोड़कर इस तरह से डालेंगे। और हमें ये चावल में भी लगने वाला है, तो 1 काली इलायची, 3 हरी इलायची, 1 स्टार अनाइस, और इसमें से 1/2 काली मिर्च और 1/2 लौंग हम इसमें ऐड करेंगे, और बाकी के हम चावल के लिए बचा लेंगे। और फुल क्रीम भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी में, तो 1 tablespoon फुल क्रीम का मैं डाल रही हूँ। और मैंने आपको बताया नहीं, हमें रोज़ वाटर भी लगेगा, तो 2 teaspoon रोज़ वाटर ऐड करेंगे। और नमक हसबे जाएगा। अब इन सारे मसालों को हम मिला लेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, मैंने मटन में भी डाला हुआ था, इसलिए टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। टेस्ट और सॉल्ट और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब में डालें, कोई तीखा खाता है या कोई मीडियम खाता है, कोई फीका खाता है, तो अपने हिसाब में ही डालते रहिए। प्योर घी भी हम इसमें 1 tablespoon ऐड करेंगे तेल की जगह पर, या तो फिर आप बटर भी डाल सकते हो, या तो ऑयल डालना चाहते हो तो ऑयल भी डाल सकते हो। अब इसे हम एक 10 से 15 मिनट तक
गैस पर छोड़ देंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। हम अब चावल बॉईल करने वाले हैं, तो मैंने 3.5 लीटर पानी लिया हुआ है 1.25 किलो राइस के लिए, और ये मसाले इसमें ऐड करेंगे हम, और नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच ज़्यादा, तो ये 4, 5 और ये 6। तो जो चावल को हम पानी ज़्यादा लेते बॉईल करने के लिए, तो हमें 1 चम्मच नमक उसमें ज़्यादा ऐड करना होता है, तो 1 चम्मच ज़्यादा ऐड किया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। ये गुनगुना मैंने 1 टेबलस्पून दूध लिया हुआ है, इसमें हम जाफरान डालेंगे। और भीगने के लिए रख देंगे। चावल में हमने ऑयल ऐड नहीं किया। ये जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो 1 टेबलस्पून ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि चावल खुले खुले बन जाए। तो दोस्तों देखिए हमारे चावल 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेन करके लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्ट्रेन करके लिए हुए चावल हाफ हाफ पार्ट में रखे हुए, और हाफ फ्राई सीधा इसमें डाले हुए हैं मैंने। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इस तरह से सब तरफ से आप फैला लो। राइस हम इस पर डाल देंगे। आप इसके 2 लेयर भी लगा सकते हो, मैंने सिर्फ 1 ही लेयर लगाया है। सब तरफ से इसे सही कर लेंगे। ये जो हमने जाफरान का बनाया हुआ था, ये भी इसी में इस तरह से हिलाकर सारी जगह पर हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून रोज वाटर ऐड करेंगे, और इसे 20 मिनट के लिए आंच पर रखेंगे। पहले हम फास्ट आंच पर रखेंगे 5 मिनट, उसके बाद स्लो कर देंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने फ्राई किया हुआ ऑयल है, ये हम इस तरह से इसमें थोड़ा छोड़ देंगे। लगभग मैं 100 ग्राम ऑयल यूज कर रही हूँ इसमें, और फिर इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी भैरोज बिरयानी रेडी है। आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही लजीज बनी हुई है। और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं आपको। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, और इसे ट्राई जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। बाय।